हेलो, आई एम सुदेशना और ये मेरी बेटी रिया। यूट्यूब के माध्यम से आज हम नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए सफ़र में हम आपके सामने लाने वाले कई सारे नए रेसिपीज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी एक नए वीडियो के साथ आएँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हमारा पहला वीडियो, और क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है इसलिए हम लोगों ने सोचा कुछ मीठे के साथ शुरुआत किया जाए। इसीलिए आप लोगों के सामने आज हम पेश करने जा रहे हैं सेवई की रेसिपी। आइए देखते हैं घर पे कैसे आसान तरीके से हम बना सकते हैं सेवई। सेवई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 तेज पत्ते और कुछ किशमिश गार्निश के लिए, 1/2 कप सेवई, 1/2 कप चीनी और 1 टेबलस्पून घी। एक कढ़ाई लें और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसमें घी डालें। घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसमें हम डालेंगे सेवई, और सेवई डाल के वो उसका कलर चेंज होने तक हम उसे फ्राई करेंगे। जब उसका कलर चेंज हो जाए हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और उसके बाद सेवई को एक कटोरे में या तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। कटोरे में निकाल लेने के बाद कटोरे को हम साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई को फिर से गर्म करके उसमें हम डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद हमें उसे बीच बीच में थोड़ा सा चलाना होगा और उसमें एक उबाल आने तक उसे रखना होगा। हम फ्लेम को इस बीच रखेंगे लो से मीडियम। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे और इसे एक उबाल आने तक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते हुए रखेंगे गैस पे। बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो दूध लग जाएगा कढ़ाई के साथ। देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। जब एक उबाल आ जाए तो उसे 5 मिनट वैसे ही छोड़ दे, 1-2 बार बीच में चला ले। जब 5-7 मिनट ऐसे ही उबल जाए उसके बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे और उसमें हम डाल देंगे सेवई, हमारा फ्राई किया हुआ सेवई। सेवई डाल के इसे अच्छे से चला लें ताकि सेवई नीचे जाके कढ़ाई के साथ स्टिक ना कर जाए। उसके बाद इलायची पाउडर डाल दें। सेवई डालने के बाद 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम में दूध को उबलने देना होगा, पर बीच बीच में उसको चलाना होगा और सेवई कैसे पक रहा है, कितना पक रहा है उसके ऊपर एकदम कंटिन्यूअसली नजर रखना होगा। बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहें। कढ़ाई के साइड्स को स्क्रेप करते हुए चलाएं। जब दूध का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और दूध का जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा मोटा गाढ़ा हो जाए तब उसे एक बार लास्ट टाइम अच्छे से चला के उसमें चीनी डाल दें। ध्यान रखें सेवई का पकना बहुत जरूरी है चीनी डालने से पहले, क्योंकि चीनी डालने के बाद सेवई और नहीं पकेगा और चीनी डालने के बाद दूध का कंसिस्टेंसी भी थोड़ा पतला होगा।
साइड से स्क्रेप करते हुए अच्छे से चलाएं और बस एक उबाल आने दें और चलाते रहें दूध को। पांच मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। देखिए दूध का कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और एकदम पतला भी नहीं होगा। जब ये ठंडा होगा तो बहुत मोटा हो जाएगा। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें और किशमिश डाल के गार्निश कर लें। ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसे सर्व करें और इंजॉय करें सेवई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।